Good morning and welcome back to our online classes again. Till now we have completed four lessons in class 10th, two of civics, one of history and one of economics. Now we are going to proceed with the first lesson of geography, that is resources and development. अभी तक आपको तो चार लेसन कराए, उनमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको साथ ही साथ बोले गए हैं, उन सब को आप एक नोटबुक के अंदर अलग से लिखें सभी पार्ट्स के, और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि आगे अचानक से आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा. अब हम जियोग्राफी का तो फर्स्ट लेसन है रिसोर्सिस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और उनका विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट आर रिसोर्सिस, संसाधन है क्या. इन एट स्टैंडर्ड यू हैव गोन थ्रू ए सिंपल डेफिनेशन, दैट वाज एवरीथिंग विच इज फाउंड इन द एनवायरमेंट एंड फुलफिल अवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स. एट क्लास में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी रिसोर्स की, वो क्या थी कि इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में कुछ भी वो चीज जो हमारे जरूरतों को पूरी करती है, वो संसाधन है. टेंथ क्लास में उस डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर आया, थोड़ा सा हमने उसको बढ़ा दिया. शुरू का सेम वही है, एवरीथिंग दैट इज फाउंड इन द एनवायरमेंट एंड विच फुलफिल अवर नीड्स, बट समथिंग विच इज एडेड इज फर्स्ट टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल. अब टेक्नोलॉजिकली तकनीकी तौर पर एसेसिबल जहां तक हम पहुंच जाए. अब उसका मतलब क्या है, कोई भी संसाधन जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो हो. अगर हमें मान लो कोल माइनिंग, कोयला निकालना है, मिनरल्स अगर हमें माइन करने हैं, निकालने हैं वहां से, तो हमारे पास इफ आफ्टर सर्टेन डेप्थ वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू टू टेक इट आउट, हमारे पास सर्टेन डेप्थ के बाद या 5, 10, 15, 20, 25, 50 मीटर के बाद हो सकता है पॉसिबल नहीं हो निकालना, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं हो हमारे पास, तो हमारे लिए रिसोर्स किस काम का है. अवेलेबल लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है, तकनीक वहां तक नहीं जा पाए, तकनीक डेवलप नहीं कर पाए इसको इस्तेमाल कर लें. दूसरा एग्जाम्पल, हम वी आर जस्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, हम पानी मत से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. इफ यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास तकनीक होती ही नहीं तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए पानी कम से कम एक संसाधन नहीं होता. बाकी चीजों के लिए तो होता है क्योंकि हम घर के बेसिक यूज के लिए लेते हैं, रिसोर्स तो था वो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर यूज करने के लिए रिसोर्स नहीं रहता वो हमारे, तो उसके लिए तकनीक होना जरूरी है. फर्स्ट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकेंड पॉइंट है इसमें इकोनॉमिकली फिजिबल. फिजिबल मतलब सुगम, आसान, सरल, इजी, फिजिबल. तो इकोनॉमिकली आर्थिक, आर्थिक मतलब जहां पैसा लगता हो. अब इसका मतलब क्या है इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक तौर पर हमें वो सुगम, आसान, सरल हो, यानी लागत ज्यादा नहीं आती हो. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें कोल माइनिंग स्टार्ट की आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, आफ्टर ग्रांटिंग कॉन्ट्रैक्ट टू डिफरेंट कंपनीज, द कोल विच वॉज माइंड हैज द वैल्यू ऑफ 5 or 10 crores एंड द इन्वेस्टमेंट और द मनी विच वॉज ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऑन दैट पार्टिकुलर प्रोजेक्ट इज मोर देन 5 and 10 crore, देन इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल. अगर हमने कोल माइनिंग की, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिए कंपनीज को और उसमें 5 से 10 crore रुपए का हमने मान लो कोयला निकाला, और उस कोयले को निकालने में हमारे पास लागत आ गई 20 crore की, लेकिन ये संसाधन तो है लेकिन किस काम का. इट्स बेटर टू इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, इससे तो अच्छा है ना कि हम 10 crore के कोयले को निकालेंगे, 20 crore रुपए क्यों खर्च करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे. इफ इट इज पॉसिबल टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे उसको फिर. तो इकोनॉमिकली फिजिबल जहां हमें लागत के अनुसार भी, हमारी लागत के अनुसार भी वो हमें ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता हो, यानी एक्सपेंसिव हमें न पड़ता हो, महंगा न पड़ता हो उसके लिए. तो हम रिसोर्सिस में विच इज फाउंड इन द एनवायरमेंट, फुलफिल अवर नीड्स, बस टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, तकनीक भी हो हमारे पास, उसमें लागत भी इतनी ज्यादा नहीं आती हो, और लास्ट एक वर्ड और देखा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे ट्रेडिशन के अनुसार एक्सेप्टेबल भी हो समाज में. हालांकि बेसिक दो चीजें शुरू की है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल. अब नेक्स्ट हम इसको फिर क्लासिफाई कर रिसोर्सिस को अलग अलग तौर पर, कि
कितने प्रकार के हैं रिसोर्सेज हमारे सामने, संसाधन कितने प्रकार के हैं। हालांकि उससे पहले आपके जो बुक है उसमें इसके बारे में डिफाइन कर रखा है कि हाउ दीज आर इंपोर्टेंट, वी फील देम फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर एंड वी आर जस्ट यूजिंग इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, विच क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन बेसिक दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने, तो पहला तो डेफिनेशन ही आती है कई बार एक नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। सेकंड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कई बार हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, कई बार उसी का एक सब पार्ट है, जैसे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द बेसिस ऑफ ओरिजन, यानी या तो टोटल पूछ लिया जाए पांच नंबर में या फिर कोई एक पार्ट को पूछ लिया जाए तीन नंबर में। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किस प्रकार विभाजित करते हैं रिसोर्सेज को, हम डेफिनेशन के बाद दूसरा पार्ट। अब हमारे पास इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन करने के बेस क्या है, चार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, फर्स्ट वन है इनमें से क्लासिफिकेशन का ओरिजन, ओरिजन उत्पत्ति के आधार पर, बनने के आधार पर। इसके आधार पर हमारे पास कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, बायोटिक एंड एबायोटिक, इन हिंदी जैविक और अजैविक। बायोटिक मीन्स विच इज लाइफ, इवन ह्यूमन बींग इज ए रिसोर्स, हम खुद संसाधन है क्योंकि बाकी जो को हम डेवलप करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, उसके बाद वाइल्ड लाइफ है, ये रिसोर्स जितना हम इस्तेमाल करते हैं बायोटिक। सेकेंड एबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं लेकिन संसाधन तो है, एग्जाम्पल के तौर पर कोल, कोयला। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, उसके बाद मिनरल्स, उनमें जान तो नहीं है लेकिन संसाधन तो है, तो ये एबायोटिक। तो ओरिजिन के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के संसाधन कौन से हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज व्हिच डू नॉट हैव, बायोटिक रिसोर्स आर दोज व्हिच हैव लाइफ, लाइक इवन वी इटसेल्फ, वी आवरसेल्फ, लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। एबायोटिक व्हिच डू नॉट हैव लाइफ, जिनमें जीवन नहीं है, लाइक रॉक्स, मिनरल्स एटसेट्रा। अब सेकंड हमारा इसका जो क्लासिफिकेशन हो किसके आधार पर है, एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है, समाप्यता, समाप्त कि कौन सा कितना जल्दी समाप्त हो जाएगा, कौन सा कितनी देर में समाप्त होगा, किस प्रकार वापिस रीजनरेट हो सकता है, बन सकता है। तो इसके आधार पर हमारे पास कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एक तो हमारे पास जो दोबारा बन जाए, और वो जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा बनने में तो बहुत ज्यादा समय लगता है, बन ही नहीं पाते। तो ये है हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कौन से, द रिसोर्सिस विच कैन बी जनरेटेड अगेन, जो कि दोबारा बनाया जा सकता है आफ्टर यूज बाय एनी प्रोसेस, किसी प्रोसेस चाहे आज फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, कोई प्रोसेस हो सकता है जिससे कि वो दोबारा बन जाए जल्दी। वो कौन से है हमारे पास, वो हमारे पास है रिन्यूएबल। इसके दो पार्ट कौन कौन से हो गए हमारे पास, रिन्यूएबल, और दूसरा इसके आगे नॉन लगा दें, नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में विच कैन बी जनरेटेड अगेन बाय एनी प्रोसेस, वो फिजिकल, केमिकल और उसमें मैकेनिकल, किसी प्रक्रिया से दोबारा बन जाए जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता हो, वो हमारे पास कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर इज ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्स, ये सारे हमारे पास रिन्यूएबल है। दूसरा इसका पार्ट नॉन रिन्यूएबल, Either they took a long time to generate again or which is not possible to generate, या तो बहुत लंबा समय लगता हो, लाइक कोल और फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स है, एक बार हमने अगर उनको इस्तेमाल कर लिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट देम अगेन विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय में उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू जनरेट, दोबारा समय लगता है, लाखों साल लग जाते इसको बनने में। उसके बाद हमारे पास मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स के अलावा मेटल्स, इसमें एक डिफरेंस जरूर है, मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड, फॉसिल फ्यूल्स को तो रिसाइकल भी नहीं कर सकते एक बार बने, लेकिन मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हैं। एक टर्म आई थी आपके यहां एट में भी आई थी, स्मेल्टिंग। व्हाट इज स्मेल्टिंग, अब किसी भी चीज को हम मेल्ट करते हैं, पिघलाना, लेकिन अगर हम मेटल्स के ऊपर ये टर्म लागू करते हैं, किसी मेटल को एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पर ले जाके उसके बाद मेल्ट करना, दूसरा रूप देने को कहलाता है स्मेल्टिंग। तो अगर हमारे पास मेटल्स हैं तो उसको स्मेल्टिंग के बाद दूसरा रूप दिया जा सकता है। तो ये रिसाइकलेबल तो है, रिन्यूएबल नहीं है, रिसाइकलेबल है, दोबारा बनने में समय लगता है लेकिन उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो बेसिस ऑफ ओरिजन बायोटिक एबायोटिक,
एडजस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और उसके बाद तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर मालिक, ओनरशिप के आधार पर फर्स्ट इंडिविजुअल, इसको हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं, निजी, जैसे आपका खुद का घर है, आपकी खुद की गाड़ी है, पेन पेंसिल व्हाट एवर यू हैव किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के पास, इट मींस वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ दैट पार्टिकुलर पर्सन बिफोर यूज, अगर हमें यूज करना तो हमें परमिशन लेनी होगी, अगर हमारे घर पर कोई आए तो अपनी इच्छा से नहीं आ सकता, जिसको हम अलाउ करेंगे वही आए, ऐसा नहीं जबरदस्ती कोई घुस जाएगा। तो क्या है, घर हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है, तो इसी प्रकार हमारे पास प्लॉट है, किसी फार्मर के पास जो उसकी फार्मिंग लैंड है, किसी की प्लांटेशन साइट है, तो ये सारे क्या इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल तो किसी एक व्यक्ति की हो वो क्या हो जाएगी हमारे पास इंडिविजुअल, ओनरशिप के आधार पर कौन सी होगी इंडिविजुअल। सेकेंड वन है कम्युनिटी, कम्युनिटी एक समुदाय पूरा इस्तेमाल कर पाता हो, इसकी बात करें तो जैसे गांव में ग्रेजिंग लैंड्स आते हैं, जानवरों के लिए खुली जमीन छोड़ जाती है जानवरों को चराने के लिए, उसके बाद अगर शहर की बात करें हमारे पास पार्क है जिनमें घूमने के लोग जाते हैं, प्लेग्राउंड्स हैं जहां कॉमन प्लेग्राउंड्स होते हैं कम्युनिटी के, जो आइदर दे आर मेंटेन बाय म्युनिसिपैलिटीज, तो उसके द्वारा म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा मेंटेन किए जाए, तो हमारे पास ओनर्स का वो है कम्युनिटी, यानी पूरा समुदाय उसको इस्तेमाल कर पाता हो वो कम्युनिटी, इंडिविजुअल में केवल एक व्यक्ति और दूसरे कम्युनिटी के अंदर सारा समुदाय इस्तेमाल कर पाता हो। थर्ड वन है नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल राष्ट्रीय देश के, हालांकि अगर टेक्निकली बात करें ऑल द रिसोर्सेज आर नेशनल रिसोर्सेज, अब हम जो पढ़ रहे थे पहले कम्युनिटी और प्राइवेट वो भी नेशनल रिसोर्स तो हैं, इफ अंडर योर पार्टिकुलर साइट ऑफ होम, अगर आपके घर के नीचे अंडर योर हाउस इफ एनी मिनरल इज फाउंड, अगर कोई मिनरल पाया जाता है देन द गवर्नमेंट कैन अंडरटेक दैट पार्टिकुलर साइट एंड आस्क यू टू मूव फ्रॉम देयर आफ्टर गिविंग ए कंपनसेशन, आपको उस जगह का मुआवजा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, यू हैव टू मूव, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, वो क्या है हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, अगर उस टाइम पर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी निजी प्रॉपर्टी भी काम आती है तो उसको भी गवर्नमेंट कैन अंडरटेक उसको ले सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे आपके आसपास में रोड डेवलप किए गए, हाईवेज निकाल दिए गए, पहले किसी की जमीन तो थी वो, दैट वाज ए फार्मिंग लैंड, खेती की जमीन हो सकती है, लेकिन सरकार को लगा कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने जरूरी है डेवलपमेंट के पर्पज से, तो दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। और शहरों में जैसे आप जयपुर की बात करें, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली की बात करें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको जिम्मेवारी दी है डेवलप करने के लिए, नए सेक्टर बनाने के लिए, दे कैन टेक ओवर द लैंड नियर बाय दैट पार्टिकुलर सिटी इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, तो उसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, अल्टीमेटली सारी प्रॉपर्टीज नेशन की है, देश की है, उसके साथ साथ उसकी लैंड बाउंड्रीज, कोस्टल तो लगता है, कोस्ट लगता है जैसे हमारा इंडियन ओशन के साथ लगता है, बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है, अरेबियन सी के साथ लगता है, उससे 12 नॉटिकल माइल्स उस बेस लाइन से जहां कोस्ट लगता है उससे आगे भी हमारा कहां तक रिसोर्स रहेंगे किसी भी देश के 12 नॉटिकल माइल्स, इट इज नियरली अबाउट 22-23 किलोमीटर, यानी लैंड बाउंड्री जहां हमारी खत्म होगी कोस्ट लगता है उसके 22-23 किलोमीटर तक हमारा दायरा होता है, हमारे संसाधन है, नेशनल रिसोर्सेज है। उसके बाद इसमें अगर ओनरशिप के आधार पर बात करें तो कितने हो गए हमारे, इंडिविजुअल, सेकेंड वन कम्युनिटी, थर्ड वन नेशनल एंड द फोर्थ वन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल दैट इज अबोव द और बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे 200 नॉटिकल माइल्स, उससे अगर हमारे पास 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन सा है, हमारे यहाँ 200 नॉटिकल माइल्स की जगह है, यानी 12 तक तो हमने मान लिया हो तो है ही हमारा हिस्सा, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स लगभग 370 किलोमीटर का दायरा हमारे देश की सीमा का अगर आगे तक है किसी ओशन के साथ लगता है, जैसे इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में है, ब्यो बंगाल में है, वहां तक भी हम संसाधनों का एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, इफ अनदर कंट्रीज एरिया इज आल्सो ओवरलैपिंग विद अस, लेकिन दूसरे देश का 200 नॉटिकल माइल्स अगर ओवरलैप करता हो देन बाय ए कॉमन कंसेंसस तो आपसी सहमति से हो सकता है वो। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से, उससे बाहर दो यानी किसी भी देश की सीमा नहीं लगती, 200 नॉटिकल माइल से अबो का एरिया है, बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, बड़े महाद्वीप हैं, उसमें किसी देश के साथ 200 नॉटिकल माइल के बाद भी डिस्टेंस रह जाता है, बीच की जगह रहती है, इफ मिनरल्स आर फाउंड देयर, वहां मिनरल्स मिलते हैं, देन वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहमति से हमें करना पड़े, वो क्या है हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी 200 नॉटिकल माइल से बाद के रिसोर्सेज मिलेंगे फॉर विच वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देन दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज।
तो हमारे पास तीन हो गए बेसिस ऑफ ओरिजन, एग्जॉस्टेबिलिटी, ओनरशिप, और लास्ट वन है हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि कौन से संसाधन को कितना डेवलप कर लिया हमने। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पहला हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल में कौन सा आ जाएगा, पोटेंशियल में वी नो अबाउट द रिसोर्स वी कैन यूज इट बट नॉट यूजिंग एट फुल एक्सटेंट, लेकिन पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हमें संसाधन का पता है लेकिन हम उसका उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे विंड और सोलर एनर्जी है हमारा वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात, ये उसके एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी के, हमें पता है उसका संसाधन का इस्तेमाल भी होती है लेकिन पूरे एक्सटेंट तक इस्तेमाल नहीं हो रही, वो है पोटेंशियल रिसोर्सिस। उसके बाद सेकंड है डेवलप्ड, जो कि ऑलरेडी विकसित होगी, वी ऑल्सो नो द क्वांटिटी क्वालिटी भी है, वो ऑलरेडी सर्वेड, हमने क्वांटिटी का पता है क्वालिटी का पता है, सर्वे किया हमने, वी कैन यूज इट, पूरी तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसको, वी हैव द टेक्नोलॉजी, तकनीक भी हमारे पास, तो वो हमारे पास कौन से जाएंगे डेवलप्ड। और थर्ड वन हमारे पास है स्टॉक, स्टॉक में कौन सा होता है, वी नो दैट इज अ पार्टिकुलर रिसोर्स बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज इट, हमें ये तो पता है संसाधन इसका इस्तेमाल भी हो सकता है लेकिन तकनीक नहीं है उसको इस्तेमाल करने। इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप केमिस्ट्री में साइंस में आपने पढ़ा होगा केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या है, H2O, अब H हाइड्रोजन O ऑक्सीजन, अब इन दोनों को अलग कर दें, हाईली इनफ्लेमेबल गैसेस, दोनों ही आराम से एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, हाईली इनफ्लेमेबल है यानी ज्वलनशील है, लेकिन वी डोंट नो द टेक्नोलॉजी, हम पानी से इन दोनों को अलग कैसे करें हमें नहीं पता, इसलिए क्या है ये रिसोर्स तो है लेकिन स्टॉक है, टेक्नोलॉजी नहीं हमारे पास डेवलप करने की, ये स्टॉक है, हमें पता उसका इस्तेमाल हो सकता है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, टेक्नोलॉजी नहीं है। लास्ट वन है रिजर्व, वो सबसेट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वो पार्ट जिसकी टेक्नोलॉजी तो है इस्तेमाल करने की लेकिन हमने किसके लिए रख दिया, फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हमें आगे के लिए बचा के रखा उसको, तो वो हमारा हो गया रिजर्व। तो इसके भी हमारे पास चार पार्ट हो गए। तो आज हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स एंड एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस, इसमें क्वेश्चंस डेफिनेशन एक नंबर में पूछी जा सकती है, उसके बाद क्लासिफिकेशन में पूरी क्लासिफिकेशन पूछे पांच नंबर में आ जाएगी, इफ ओनली वन पार्ट इज आस्क लाइक व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन देन इट माइट बी थ्री मार्क्स, तो इसके अनुसार इसकी प्रिपरेशन करें। वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।